हेलो फ्रेंड्स, सविताज क्रिएशंस पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये दो कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने दो रंग में बनाया है। ये देखिए, बहुत सुंदर डिज़ाइन है और बनाने में भी आसान है। ये देखिए, ये मैंने इसमें 28 फंदे डाले हुए हैं। आप इस पैटर्न में इवन नंबर में फंदे डाल सकते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। ये देखिए, इस डिज़ाइन में एक ख़ास बात यह है कि इसमें हमें सिर्फ एक ही धागा चलाना पड़ता है, डबल धागा नहीं चलाना पड़ता, सिर्फ एक धागा ही हम चलाएंगे। ये देखिए, बेस मेरा जो रहता है ये वाइट रहता है, इसको रेड कलर से हम स्टार्टिंग के ये तीन फंदे, एक दो तीन रेड लिए, ये तीन फंदे बिन लिए हमने रेड। अब हम वाइट चार फंदे, एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमने उतारे। फिर हमने दो फंदे बिने, एक दो, ये दो फंदे बिने हमने रेड। फिर से हमने ये चार फंदे बिना बिने उतारे, तीन चार, ये चार फंदे बिना बिने उतारे। फिर हमने ये दो फंदे रेड कलर के बिने, ऐसे ही करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे। दो फंदे रेड बिनने हैं और चार जो भी हम दूसरा कलर लगा रहे हैं, जो हमारा बेस है, उसके हमने चार ऐसे ही बिना बिने उतारने हैं, और दो हमने ये दूसरे कलर से, रेड कलर से बिनने हैं। ये देखिए, अब हम चार उतारेंगे, तीन चार, ये लास्ट में भी हमारे, जैसे मैंने इधर तीन लिए हैं, इधर भी मेरे ये लास्ट में तीन बचते हैं, इनको भी मैं ऐसे करके बिन लूँगी। ये देखिए, अब ये मेरी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, जो फंदे हमने बिने हैं रेड कलर के वो बिनने हैं, और जो वाइट कलर के हमने बिना बिने उतारे हैं वो ऐसे ही बिना बिने उतारेंगे। ये देखिए, ये उतारे हमने, फिर दो बिने रेड, और फिर हमने चार उतारे ऐसे, फिर दो बिने, फिर चार उतारे, फिर दो हम बिनेंगे, ऐसे ही करके पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये मैंने अपनी उल्टी सिलाई बिननी है। अब ये मेरी सीधी साइड है और ये मेरी तीसरी सिलाई है। देखिए, अब हम वाइट वाला धागा लेंगे ऐसे, ये एक और ये दो, दो फंदे हम बिन लेंगे, और ये जो एक फंदा हमारा है इसको हमने क्या करना है, ऐसे ये दो फंदे वाइट वाले लेंगे हम ऐसे इस सिलाई पर, और इसको रेड वाले को निकालेंगे, इसको ऐसे पीछे ले लेंगे इस वाली सिलाई में, और ये दो फंदे फिर हम इसके ऐसे आगे ले लेंगे और इनको ऐसे करके सीधा बिन लेंगे। फिर हम अपना ये रेड वाला भी बिन लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब ये दो फंदे हैं हमारे, ये हमने पीछे लेने हैं और ये आगे लेना है ऐसे पीछे से। ये देखिए, ये ऐसे लिया हमने और ये दो फंदे निकाले, इन दोनों फंदों को ऐसे पहले इसमें इस वाली सिलाई में लिया और इसको ऐसे इसके आगे लिया रेड वाले फंदे को, और इसको ऐसे बिन लिया हमने वाइट कलर से। फिर ये दो बिन लिए, ये देखिए, ये दो बिन लिए। अब फिर हमारे यहाँ पर रेड एक रहता है, तो क्या करेंगे, ये दो फंदे ऐसे हमने इधर से इस वाली सिलाई पे यहाँ से ऐसे लेने हैं, और ये वाला निकालना है, इसको इस वाली सिलाई पर लेना है, और इनको दो को फिर इसके आगे ऐसे ले लेना है, और फिर इनको ऐसे दोनों को बिन लेना है, और फिर हम अपना ये रेड वाला भी बिन लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे आएगा।
फिर ये हमारे दो फंदे हैं और ये रेड वाला है, तो हमने क्या करना है, ये जो रेड वाला फंदा है हमने इस वाली सिलाई पे अपनी इस वाली पे इधर लेना है, इन दोनों को निकालना है और इस वाली सिलाई पर ऐसे लेना है और फिर इसको ऐसे लेना है, फिर रेड वाला बिन लेना है ऐसे, फिर ये दो बिन लेने हैं वाइट वाले, ये देखिए, फिर से ऐसे ही करना है। फिर से क्या करना है, हमने ये फंदा हमारा इधर जाएगा और ये दोनों ऐसे आएंगे, तो ये ऐसे आगे से लिए वाइट वाले फंदे और इसको ऐसे ले लिया पीछे रेड वाले को और इनको ऐसे बिन लिया, ये देखिए ये दोनों बिन लिए, फिर ये रेड वाला भी बिन लिया। अब ये वाइट वाले इधर से पीछे जाएंगे और ये रेड वाला ऐसे आएगा हमारा, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही हमने अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये अब ये हमारे पास एक बचा। अब ये दो वाइट लिए, उसको एक ऐसे लिया हमने और इनको ऐसे बिन लिया, ये देखिए, ये बिन लिया हमने। अब ये दो फंदे हमारे बच रहे हैं और यहाँ पर ये एक जो फंदा है ये ऐसे यहाँ पर आएगा हमारा, ऐसे पीछे से इन दो फंदों को पीछे लेंगे और इसको आगे लेंगे। ये जो हमारा एक रेड इधर का और एक रेड इधर का, ये दोनों रेड बीच में आ जाने हैं, दोनों को बीच में लेके बिनना है, ये देखिए, ये दोनों हमारे ऐसे आएंगे, ये देखिए, ये हमारी उल्टी सिलाई आ गई है। ये सारे फंदे हमारे वाइट हैं, इनको हमने पूरा उल्टा उल्टा बिन लेना है, पूरी सिलाई ऐसे उल्टी बिननी है, ऐसे ही करके पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हमारी पांचवी सिलाई आ गई है, ये देखिए। अब पांचवी सिलाई में भी हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले ये वाला रेड धागा लगाया था, जैसे पहले किया था ये वाला रेड धागा लगाया था, ऐसे ही हमने ये तीन बिनने हैं पहले, फिर ये चार उतारने हैं वाइट वाले, फिर दो बिनने हैं और फिर चार उतारने हैं, ये ऐसे ही बिना बिने ऐसे ही करके पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। इस ये वाली हमारी बिल्कुल ऐसे ही रिपीट होगी जैसे हमने यहाँ पर की थी, ऐसे ही ये रिपीट होगी हमारी ये वाली सिलाई, तो इसको ऐसे ही पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये मेरी उल्टी साइड आ गई है। अब उल्टी साइड भी हमने वैसे ही बिननी है जैसे हमने पहले वो बिनी थी, ये रेड बिनने हैं और वाइट वाले ऐसे ही उतारने हैं उल्टे, ये देखिए, ये उतारे और ये बिने, एक दो, और फिर इसको ऐसे उतारा, ऐसे ही करके पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हम अपनी सीधी सिलाई पर आए हैं, ये हमारी सातवीं सिलाई है। इसको क्या करना है, ये वाइट बिनेंगे दो ऐसे, और पहले ये हमने पीछे लिया था, इस बार हम इसको आगे से लेंगे। ये दो फंदे हमने इस बार जैसे हमने पहले यहाँ से लिया था, यहाँ से, अब यहाँ से ना लेकर के इसको आगे से, ये देखिए, आगे से ना लेकर के इसको पीछे से लेने हैं ये दो फंदे, ये देखिए, और ये रेड वाला धागा हमने अपना आगे की साइड लेना है ऐसे, ये देखिए, और इसको यहाँ पर ऐसे बिनेंगे, एक दो, और ये हमारा वो रेड वाला धागा है, ये देखिए, ये हमने बिन लिया। अब क्या करना है, ये वाला धागा हमने ये वाला फंदा इधर लेना है इस तरफ, ये पीछे से ना लेके हमने आगे से लेना है, ये देखिए, ये दोनों फंदे
ऐसे इस वाली सिलाई पे लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे बिन लेंगे, ये देखिए। फिर बाद में ये दो फंदे वाइट वाले बिन लेंगे ऐसे ही। अब ये जो है ये यहाँ से ना लेकर के वाइट वाले फंदे, ये जो स्टार्टिंग के फंदे हमने लेने हैं पीछे से, ये चार फंदे हमारे दिख रहे हैं, ये आपको दो लेने हैं पीछे से इस वाली सिलाई पर, और ये वाला लेना है इधर, और इनको फिर यहाँ पर इस सिलाई पर चढ़ा करके ऐसे बिन लेना है। ये देखिए अब ये रेड वाला आ गया हमारा, ये देखिए। अब ये वाला फंदा हमने इधर लेना है, तो इसको यहाँ पर ऐसे लेंगे इस सिलाई पर, इन दोनों फंदों को इस पर लेंगे और इसको ऐसे बिन लेंगे, ये देखिए। अब ये वाला इधर लेना है, देखिए इसको यहाँ पर लिया, ये देखिए ये वाले दो फंदे हमने ऐसे लिए इधर, इसको यहाँ पर ऐसे इस वाले सिलाई पे लिया और इसको ऐसे बिन लिया, ये देखिए। ये ऐसे आएगा हमारा पूरा डिज़ाइन, ऐसे आएगा। अब इस वाले फंदे को इधर लेंगे, ये देखिए ये जो दो लास्ट के हैं इसमें ये वाला फंदा इधर से लेंगे और ये दो फंदे हमारे पीछे से आएंगे, ये देखिए। फिर इसको ऐसे बिन लेंगे, ऐसे ही करके पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। ये मेरी सिलाई ऐसे कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। अब उल्टी सिलाई मेरी पूरी उल्टी उल्टी आएगी और फिर से हमारा ये वाला डिज़ाइन रिपीट होगा। ऐसे ही करके हम अपने पूरे पैटर्न पर ये डिज़ाइन डालेंगे, ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।